नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है दोस्तों। बात करें तो यूपी टीएसडी पीएचडी परीक्षा तिथि और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथ ही साथ नई अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती पर क्या बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, आप खुद जो इस वीडियो में देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं। ने किसी काम को ठान लिया और आप उसको करने का जुनून रखते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता। अगर आपने किसी काम को ठान लिया और आप उसको करने का जुनून रखते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। बस उस काम को करने का मादा होना चाहिए और आप यह फैसला कर लें कि नहीं, उस काम को हम हर हाल में और हर कीमत पर कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें OTR भरे जाने को लेकर एक संदेश है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को कि आप जल्द से जल्द OTR जो है अपना भर लीजिए, क्योंकि विज्ञापन आने वाला है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया कि LTGIC और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कब आएगा। उन्होंने प्रवक्ता GDC का उल्लेख किया है और PCS 2024 का उल्लेख किया है। यह एक तरह से संदेह पैदा करता है लोक सेवा आयोग के कार्यप्रणाली पे कि जो विज्ञापन लगभग 6 सालों से उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार इंतजार कर रहा है, खासतौर से LTGIC का, उस विज्ञापन के बारे में लोक सेवा आयोग ने कुछ भी नहीं कहा है। ये बहुत अफसोस की बात है और इसको लेकर हम लोग जो है एक कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग की मंशा पर यह सवाल पैदा होता है कि LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर, जैसा कि अनुसचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि विज्ञापन आने वाला है, उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को ठगने का काम किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सियासत और खुराफात ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सियासत हुकूमत करती है और खुराफात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ कर रही है। खुराफात का अगर आशय लें तो जिस तरीके से LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन का उल्लेख इस नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है, यह चिंता का विषय है। हम लोगों ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस खुराफाती कार्य के खिलाफ 26 तारीख को हम लोग लोक सेवा आयोग पर एक विशाल कार्यक्रम करेंगे, एक बड़ा धरना देंगे, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से अपील करूँगा कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में 26 दिसंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए, क्योंकि आप रहेंगे तभी हमारी ताकत बनी रहेगी। हम लोक सेवा आयोग से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि समकक्ष अर्हता विवाद के नाम पर सालों से भर्तियों को लटकाना, आप देख सकते हैं कि बिहार में नौकरियों की बहार है, वहाँ की BPSC जो है लगातार TRE1 कराने के बाद TRE2 की परीक्षा और 10 दिनों में परिणाम घोषित कर उसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है गतिशील है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक LTGIC का विज्ञापन निकालने में लगभग 6 साल लगा दी है, अभी तक विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। तो हम लोगों ने भी फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर चलेंगे, 26 दिसंबर को 11 बजे पहुंचेंगे, वहां पे एक ज्ञापन भी दिया जाएगा, लोक सेवा आयोग से एक सवाल भी होगा कि LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन आखिर लोक सेवा आयोग कब तक जारी करने वाली है। दूसरी बात यह बता दूं कि जिस समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर आनाकानी लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार कई महीनों से किया जा रहा है और एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, उस भ्रम को दूर करने के लिए
जो है एक बात को मैं क्लियर कर दूं कि इस पर जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी ने अपना निर्णय दिया है और वह निर्णय शासन तक पहुंचा जा चुका है। शासन से लोक सेवा आयोग को भेजा जाना था, लोक सेवा आयोग की हीला हवाली के कारण वह पत्र अभी तक लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर भी एक सवाल जो है हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुँच कर करेंगे। जैसा कि लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन आने के बाद तमाम यूट्यूबरों ने एक माहौल बना दिया कि बस बस GIC प्रवक्ता और LTGIC का भी जो है विज्ञापन आने वाला है, तो यह भ्रम की स्थिति है। तमाम कोचिंग संस्थानों ने भी अपने बैच को बनाने के लिए जो है ऐसा माहौल बनाया कि नहीं अब विज्ञापन आने वाला है। अभी तक दूर दूर तक इस बात की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि लोक सेवा आयोग LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने वाला है। वह जो नोटिफिकेशन आया है वह नोटिफिकेशन प्रवक्ता GDC और उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम को लेकर वो जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हम लोग 26 तारीख को पहुंचेंगे, आपकी मौजूदगी आपका साथ चाहिए हमें और अधिक से अधिक संख्या में आइए ताकि हम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अपने तरीके से सवाल कर सके, पूछा जा सके, क्योंकि अब मौसम भी जो है सर्दी का है और इस सर्दी के मौसम में कुछ गर्मी की ज़रूरत होती है। उस गर्मी को पाना है कि एक नया विज्ञापन आना चाहिए और उस नए विज्ञापन की उम्मीद पर हम जिंदा भी हैं और उम्मीद जिंदगी जीने का सहारा पैदा करती है। इसलिए जो है आप लोगों को वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी, अधिक से अधिक संख्या में आइए 26 दिसंबर 11 बजे लोक सेवा आयोग। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के विज्ञापन भी जारी हुआ है उनके पदों को लेकर, उसके लिए 25 दिन का समय भी दिया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 21 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा। 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ और लगभग 15 जनवरी तक आवेदन जो है अंतिम रूप से एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों को लेकर किया जाना है। उसके बाद सर्च कमेटी जो है अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करेगी। अंतिम रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस पर मुहर लगाएंगे और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक अध्यक्ष और 12 सदस्य मिल पाएंगे, जिनसे हमारा सवाल होगा कि जो 2022 की भर्ती है, विज्ञापन है, उसकी परीक्षा कब होनी है और जो सीटें लगभग 24,000 माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया है उन सीटों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप इसको जोड़ेंगे या नया विज्ञापन जारी करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय से लेना है। कांटो भरी ताज पर वो बैठने जा रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आएँ और उस गद्दी पर बैठें। उसके बाद जो है हम और आप और उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार इस सवाल को पूछने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दरवाजे को खटखटाएगा और सवाल का जवाब हासिल करेगा। जहां तक अभी आपने देखा होगा कि 3 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी जो है विज्ञापन वर्ष 2021 के प्रतीक्षा सूची में जो लोग हैं उनका वो कराने जा रहा है, काउंसलिंग कराने जा रही है। उसमें आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि उसमें विशेष वर्ग की काउंसलिंग है, वह EWS की काउंसलिंग है, जबकि हमारी मांग थी कि विज्ञापन वर्ष 2016 और विज्ञापन वर्ष 2021 की जितनी रिक्त सीटें हैं माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्देश के पालन के क्रम में उन सभी सीटों को भरा जाना आवश्यक था। लेकिन अभी तक जो है डायरेक्टर महोदय और जो है AD साहब माध्यमिक, इन लोगों ने इस पर अभी उचित कार्रवाई नहीं की है। इस पर भी जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचकर इस पर भी एक सवाल पूछने का काम किया जाएगा। फिलहाल तो आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर कमर कसना बहुत जरूरी है। अब जो है जिस तरीके की बहार बिहार में है वही बहार उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उत्तर प्रदेश से निकलकर 12-1214